सारा खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई जब शादी होती है तो बहुत लोग खुश होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खुश नहीं होते। वैसे शादी मौका ऐसा होता है कि बहुत सेलिब्रेशन होती हैं, खाना पीना नाच गाना सब कुछ बहुत कुछ। और खाने पीने की जब बात आती है तो शादियों को जो खाना है वो उसमें कुछ खास ही बात होती है, और ख़ास तौर से शादी के लिए जो मीठी चीज़ें होती हैं। देखिए एक तो होती है मिठाई और एक शादी के जो डेजर्ट्स हैं, जी हाँ, वो काफ़ी अलग प्लान किए जाते हैं। आप घर में बनाएं या ना बनाएं, लेकिन केटरर जो है या होटल वाले जो हैं उनको ज़रूर बताया जाता है ऐसे बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। तो एक काम करते हैं, आज के एपिसोड में कुछ मीठी चीज़ें, ऐसी डेजर्ट्स जो अपने हिंदुस्तानी भी और कुछ विदेशी भी कुछ मिक्स करते हैं, नहीं नहीं फ्यूजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बनाते हैं बढ़िया से ऐसे मिठाई और डेजर्ट, ऐसी चीज़ें जो शादी के लिए तो एकदम अप्रोप्रिएट, लेकिन आप पार्टी में भी कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि शादी करवानी पड़ेगी, अब शादी हो गई है तो अब क्या करेंगे। चलिए बनाते हैं एक आयरिश क्रीम मूस, और अंडा बिल्कुल नहीं, बिना अंडे के। हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट, इसको क्रश कर लिया, तो ये क्रश्ड बिस्किट, इसके अंदर मेल्टेड मक्खन, और उसके बाद ये इसमें डाल देते हैं और डाल के थोड़ा प्रेस कर दें। इसी तरह से ये जितने हैं डालें इसके अंदर, ये जो कुकीज़ हैं मक्खन के साथ, इसे अवन में 180 डिग्री सेल्सियस ओवन, बस रखना है इसे, हमने इसे रख देते हैं और ये जब तक पकता है बाकी हम काम करते हैं। और ये लीजिए इस पैन में दूध, और इसमें जेलेटिन स्प्रिंकल कर दें, और उसके साथ साथ इसमें चीनी, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। हल्का गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करने की ज़रूरत, और इसे हम छान लेते हैं। ये है चीनी, दूध और जेलेटिन, और ये थोड़ा ठंडा करना है हमने। यहाँ पर ये मैंने फ्रेश क्रीम ली हुई है, और ये जो फ्रेश क्रीम है इसको फेंटा हुआ है चीनी डालकर, और अब ये आयरिश क्रीम लिक्योर इसके अंदर, और उसके साथ साथ ये जो दूध चीनी और जेलेटिन का मिक्सचर है ये भी इसके अंदर, और इसे कर लें मिक्स। और अब इसको डालना है हमने इसमें, ये डाल के इसे चिल करने के लिए आप रख दें फ्रिज के अंदर, और करीब घंटे डेढ़ घंटे के अंदर ये सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसे परोसें। चाहे तो ऊपर थोड़ी चॉकलेट की शेविंग्स डाल दें और इसे परोसें ठंडा, चिल्ड, जमा हुआ नहीं, फ्रोजन नहीं। और जैसे ही आप इसको काटेंगे, क्रीमी टेक्सचर और क्रीम लिक्योर, जी हाँ, आयरिश क्रीम लिक्योर का टेस्ट, और नीचे चॉकलेट क्रस्ट बना हुआ बढ़िया सा। इसको आप चाहें तो किसी और तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, बड़े कंटेनर में इकट्ठा सर्व कर सकते हैं, छोटे ग्लासेस में सर्व कर सकते हैं, जैसे आप सर्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं, और घर में बनाना चाहें घर में बना सकते हैं, शादी करवाना चाहें इसके लिए वो भी कर सकते हैं। और अभी नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। आयरिश क्रीम मूस के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच आयरिश क्रीम लिक्योर, 2 कप चॉकलेट बिस्किट कुटे हुए, 1/3 कप मक्खन पिघला हुआ, 1/2 कप दूध,
डेढ़ छोटा चम्मच जेलेटिन, आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप फ्रेश क्रीम और चॉकलेट शेविंग आवश्यकता अनुसार। इसे बनाने के लिए कुटे हुए चॉकलेट बिस्किट को एक बोल में ले लें और इसमें मक्खन डालकर मिला लें। अब इन मिक्सचर को ओवन प्रूफ ग्लास बोल में डालकर दबाएं और इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 10 मिनट तक रखें। एक पैन में दूध गर्म करके इसमें जेलेटिन और एक चौथाई कप चीनी डालकर इसे थोड़ा पकाएं और इसे छान लें और ठंडा कर लें। फ्रेश क्रीम में बची हुई चीनी डालकर फेंट लें। इसमें आयरिश क्रीम और मिल्क और जेलेटिन का तैयार मिक्सचर डालकर मिलाएं। इस मिक्सचर को तैयार चॉकलेट बिस्किट बेस पर डालकर इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रखें और इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग डालकर इसे सजाएं और परोसें ठंडा ठंडा। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे थे शादी के लिए मीठी चीजें। भाई शादी के लिए बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, काफ़ी इलैबरेट तैयारियाँ होती हैं, तो मैंने सोचा कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो एकदम ट्रू ब्लू हिंदुस्तानी हो, इंडियन हो, लेकिन उसमें थोड़ा कहीं इन्फ्लुएंस फ्रेंच खाने का हो। देखिए मैं बात कर रहा हूँ ऑरेंज मालपुआ बनाने की। मालपुआ जो है अपने आप में बहुत ही बढ़िया होता है। अब संतरा उसमें क्यों? देखिए एक फ्रेंच चीज़ है क्रेप सुजेत और वो संतरे के स्वाद वाली होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने मालपुए को संतरे का फ्लेवर दे दें, टेस्ट दे दें। चलिए मालपुआ बनाने के लिए चाशनी चाहिए मुझे, तो चाशनी जो है चीनी ये ले ली, जितनी चीनी उतना पानी, और अब बारी है बैटर बनाने की। और ये बैटर बनेगा मैदे का और इसमें डालें आप दूध, मैदा और दूध। मैदा अच्छी तरह से घोल लेते हैं दूध में और फिर इसमें डालेंगे हम एक चीज़ जिससे ये थोड़ा रिच हो जाए। जी हाँ, मालपुआ बनता है रबड़ी से। अगर रबड़ी ना हो तो आप इसमें डालें मावा, तो ये मावा। अच्छा एक काम करना है, इसमें संतरे का टेस्ट देना है। इसके अंदर हम डालते हैं ये संतरे का पाउडर। जी हाँ, जो शरबत वगैरह बनाते हैं ये पाउडर मिलते हैं बाजार में। ये हो गया, जिस तरह से ये संतरे का हमने पाउडर बैटर के अंदर डाला है उसी तरह से इस चाशनी में भी ये डाल देते हैं। चाशनी तो तैयार है, बस जरा साफ करनी है। ये निकाल लिया। ओके, ये जो बैटर है इससे ट्राई करते हैं हम बनाना मालपुआ। अच्छा अगर आपने थोड़ा सा और इसमें इंडियन फ्लेवर डालना है तो इसमें थोड़ा डाल दें पिसी हुई इलायची। अब ये जो बैटर है इसको हम डालते हैं इस गरम गरम घी के अंदर। ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं चाहिए। ये फ्राई हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये इसका जो टेक्सचर है वो कैसे एकदम स्मूथ नहीं है, वैसा ही हमें चाहिए। क्योंकि अगर स्मूथ होंगे तो इसका मतलब है मैदा बहुत ज़्यादा है। मैदा थोड़ा सा और ये पकने देते हैं। और ये जो मेरे पास चाशनी है ये थोड़ी सी चाशनी मुझे चाहिए, ये चाशनी। और ये मेरे जो मालपुए हैं इनका क्या हाल है? बढ़िया है। ये पलट दिया। अब ये जो मैंने चाशनी थोड़ी सी ली है इसमें डालेंगे ये संतरे के पीसेस। संतरे के जो पीसेस हैं उसमें से छिलका निकाला है, बीज निकाला है, और इसे हल्का सा स्ट्यू कर लेते हैं हम। चलिए ये तैयार। और इसको निकाल के घी इसमें से निकाला, इसे डाला हमने चाशनी के अंदर। और ये जो मेरे पास संतरे हैं संतरे के सेगमेंट्स ये ले लिए। और अब ये जो मालपुए हैं इसे इस तरह से इसके ऊपर, ये भी इस तरह से इसके ऊपर। और यदि आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं थोड़ा ये मावा। इसके बाद दूसरा गर्मा गर्म मालपुआ, ये देखिए। और इसके बाद कुछ पिस्ते। जी हाँ, पिस्ते लगा दिए हमने। और लीजिए ये हो गया आपका मालपुआ संतरे वाला।
ऑरेंज मालपुआ। और क्रेप्सुजेत की तरह अगर आप इसे फ्लॉम्बे करना चाहते हैं तो ऑरेंज लिक्योर लें और उससे फ्लॉम्बे करें। वाह, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। ऑरेंज मालपुआ के लिए हमें चाहिए 3 संतरे, 4 बड़े चम्मच ऑरेंज फ्लेवर्ड शरबत का पाउडर, 2 कप चीनी, 4 बड़े चम्मच मैदा, 1.5 कप दूध, 100 ग्राम मावा ग्रेट किया हुआ, 1 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, तलने के लिए देसी घी और 12 पिस्ते स्लाइस किए। इसे बनाने के लिए चीनी में 1.5 कप पानी डालकर इसे पकाएं और इसकी चाशनी बना लें। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑरेंज फ्लेवर शरबत का पाउडर डालकर मिक्स करें। थोड़ा पकाने के बाद किसी मसलिन क्लॉथ से छान लें। अब एक बोल में मैदा ले लें और इसमें दूध डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें मावा, बचा हुआ ऑरेंज फ्लेवर शरबत पाउडर डालें और हरी इलायची पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लें। अब एक फ्लैट पैन में घी गरम करके करछी की सहायता से बैटर डालें, इसे फैला लें और इन मालपुओं को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। अब इन तैयार मालपुओं को चाशनी में डुबोकर रख लें। एक पैन में थोड़ी सी चाशनी गरम करके इसमें संतरे के टुकड़ों को डालकर कुछ देर तक पकाएं। सर्व करने के लिए संतरे के टुकड़ों को मालपुए के साथ सर्व करें और ऊपर से डालें मावा और कटे हुए पिस्ते। लीजिए तैयार ऑरेंज फ्लेवर्ड मालपुआ। वेलकम बैक खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब बनाते हैं रसगुल्ले से एक मिठाई। भाई रसगुल्ले ही अपने आप में मिठाई है, लेकिन शादी में थोड़े से कुछ नखरे तो होते ही हैं। अब वो लड़के वालों के, लड़की वालों के तो नखरे होते नहीं हैं, तो लड़के वालों के लिए रसगुल्ले के नखरे, डिश का नाम है रसगुल्ले के नखरे, छोटे रसगुल्ले के नखरे। तो इसके लिए करना क्या है, पिस्ते ब्लांच कर लेते हैं और बादाम जो हैं वो ब्लांच करके रखे हुए हैं। इसमें हम गरम करते हैं क्रीम, इसके अंदर चीनी और केसर, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास रसगुल्ले, ये जो रसगुल्ले हैं बाजार में से बने बनाए ले लें, छोटे वाले हैं। और ये देखिए, इसको अगर आपने कम मीठा खाना है तो इसमें से जो चाशनी है वो निकाल के इस तरह से, जितनी आप चाशनी निकालेंगे उतना ये मीठा कम होंगे। अब ये जो है ये लेकर इसको हम डालते हैं इन छोटे रसगुल्लों के अंदर, इसे आप ठंडा होने के लिए रख दें। जी हाँ, इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख दें, चाहे तो फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रखें, नहीं फ्रीज़र में रखें तो जम जाएगा, लेकिन जल्दी से थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। पिस्ते तो पील करके ब्लांच कर लेंगे हम, तो ये रसगुल्ले के नखरे के पिस्ते, और ये जो पिस्ते हैं इसे हम इस तरह से, चलिए पिस्ते तैयार। और अब मैं निकाल लाता हूं रसगुल्ले। मेरे पास ये रसगुल्ले थोड़े कुछ ठंडे शायद हो गए हों, और अब इसे सर्व करने के लिए अगर ये मिट्टी के जो सकोरे हैं वो ले लिए जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको डालें इसमें, ये देखिए वाह, केसर का रंग। वैसे सिर्फ इसी तरह से ही इसको दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा ये, लेकिन अभी नखरे जब कर रहे हैं तो पूरे ही करते हैं। अब इसमें ये अनार के दाने, ये देखिए अनार के दाने, फ्रेश फ्रूट कलर इसमें कितना बढ़िया, लाल अनार के दाने। वैसे आप चाहें तो इस पे सिल्वर की वर्क भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक काम और, थोड़ा खोया यानी थोड़ा मावा वो इसके ऊपर ग्रेट करें। अब इस पे पिस्ते, और ये लीजिए। वैसे आप सोचिए शादी में कितने लोग पिस्ते हैं। और अब इसमें ये ब्लांच्ड बादाम इस तरह से, बस अब ज़्यादा नखरे नहीं, इसको परोसें एकदम चिल्ड। और ज़्यादा करना है तो क्रीम फेंट के चीनी के साथ में पाइप करके फिर उस पर बादाम लगाइए। मज़े लें इन रसगुल्लों के नखरे के। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप।
रसगुल्ले के नखरे के लिए हमें चाहिए 25 छोटे रसगुल्ले, 4 कप फुल क्रीम मिल्क, 1 कप फ्रेश क्रीम, 3/4 कप चीनी, चुटकी भर केसर, 10 पिस्ते ब्लांच किए और स्लाइस किए हुए, आधा कप अनार के दाने, आधा कप मावा ग्रेट किया हुआ और कुछ बादाम ब्लांच किए। इसे बनाने के लिए दूध को अच्छी तरह से उबाल के गाढ़ा कर लें, इसमें क्रीम, चीनी और केसर डालकर थोड़ा पकाएं और फिर ठंडा कर लें। रसगुल्लों को निचोड़कर इसकी चाशनी निकाल लें और फिर इन रसगुल्लों में तैयार ठंडा दूध डालकर इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख लें। सर्व करने के लिए कसोरे में ठंडे रसगुल्लों को डालें, इसके ऊपर अनार के दाने, मावा, पिस्ता और बादाम डालें और इसे सर्व करें तुरंत। मिठाइयां हर मौके को और भी स्वादिष्ट बना दें, वो रसमलाई हो, गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले, इनका रंग और रूप दोनों ही आधुनिक जमाने के साथ बदल रहे हैं। और आधुनिक डेजर्ट का रूप कैसे बदल रहा है, चलिए आप खुद ही देख लीजिए ना। और अब बारी है आज की टिप की, भाई चॉकलेट शेविंग से बनानी है, इसके लिए चॉकलेट ले लें, कुकिंग चॉकलेट बहुत अच्छी रहती है। चॉकलेट स्लैब को किसी फ्लैट सरफेस पर रखें और फिर किसी तेज चाकू से इसे स्क्रेप करके इसकी पतली पतली शेविंग्स तैयार करें और इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल करें। हाँ, मेल्ट करके भी स्क्रेप की जा सकती है, वो थोड़ा मुश्किल होता है भाई। शादी के लिए बहुत मेहनत लगती है, पहले लड़के वालों को लड़की नहीं मिलती, लड़की वालों को लड़का नहीं। जी हाँ, ढूंढने में बहुत समय लग जाता है और अगर ढूंढ लिया लड़के ने लड़की को, लड़के ने लड़की को, नहीं लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को, तो कई बार घर वाले मना कर देते हैं, कई बार पड़ोसी मना कर देते हैं या पड़ोसी मना करते हैं, ऐसा मैंने देखा भी है, सुना भी है। खैर उससे क्या फर्क पड़ता है, खाना इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि खाने में शादी का सबसे ज़्यादा समय जाता है, खाने में प्लानिंग से लेकर एक्चुअल खाने तक। जी हाँ, अगर खाना इतना इम्पॉर्टेंट है तो खाना खजाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और आज का एपिसोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि खाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा मीठा, इसी तरह से मिठास बनाए रखें, मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ आपकी शादी बार बार करवाऊँगा, नहीं एक बार। नमस्कार।